हेलो एंड हाय टू ऑल माय लवली व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय किचन शालूज लव बुक। और आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी अमूल बटर। इसको बनाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी रेसिपीज आप मिस ना करें। आइए शुरू करते हैं इसको बनाना। ये देखिए, इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर देशी घी का यूज़ किया है। तो जितना भी आप बटर बनाना चाहते हो उतनी क्वांटिटी में आप देशी घी ले लें। जैसे मैंने यहाँ पर आधे कप के करीब देशी घी लिया है। इसके अलावा हमें चाहिए आधी चम्मच के करीब हमें चाहिए हल्दी और स्वाद अनुसार नमक लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर आधी चम्मच ही नमक लिया है। हैंड ब्लेंडर हमें चाहिए होगा। अगर आपके पास ये इलेक्ट्रिक हैंड ब्लेंडर नहीं है तो आप जो लकड़ी की मथनी होती है वो भी आप ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बटर बनाना। तो ये देखिए, जो घी है इसको हम फ्रिज में रख देंगे। ये देखिए, मैंने इसको फ्रिज में रख दिया है 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद जब आप निकालेंगे तो ये देखिए हल्का सा ही जम जाएगा। तो अमूल बटर बनाने के लिए हमें जो दही है वो जमा हुआ चाहिए, बहुत ज़्यादा भी जमा नहीं होना चाहिए, वरना जब आप इसको इलेक्ट्रिक बीटर से बीट करेंगे तो ये देखिए आप देख सकते हैं थोड़ा सॉफ्ट है ये, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था ये। तो इस तरीके से आप इसको बिल्कुल हाई स्पीड में इसको मिक्स कर लें। लगभग 30 सेकेंड तक हम इसको इसी तरीके से मिक्स करते रहेंगे। आप देख सकते हैं जो घी है काफ़ी सॉफ्ट हो गया है, इसमें पीक्स आने लगी हैं। आप इसको हाई फ्लेम पर जब इस तरह से बीट करेंगे तो इस तरह से पीक्स आ जाएंगे। ये देखिए 30 सेकेंड हो चुके हैं। अब इसमें हम हल्दी डाल देंगे। हल्दी की क्वांटिटी आप धीरे धीरे करके डालें, वरना क्या होगा, अगर आप ज़्यादा हल्दी डाल जाएंगे तो बहुत ज़्यादा पीला हो जाएगा, जो देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और अमूल बटर का जो कलर होता है वही हमें चाहिए, इसलिए हम धीरे धीरे करके हल्दी डालेंगे। तो ये देखिए धीरे धीरे मैंने सारी हल्दी इसमें डाल दी है, नमक भी मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको हम 1.5 मिनट तक और बीट करेंगे। तो इस तरीके से मैं 1.5 मिनट तक इसको और बीट करती रहूँगी। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी जल्दी ये फटाफट बटर तैयार हो रहा है। और फ्रेंड्स, ये बाजार में जो मिलने वाला अमूल बटर है उससे आधी लागत में ये तैयार हो जाएगा। इसका टेस्ट खाने में एग्जैक्टली वैसा तो नहीं होता, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छा होता है। अगर आप मार्केट का बटर नहीं खरीदना चाहते हैं और आप अगर आप घर पर ही बटर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए देखिए बहुत अच्छा है। ये देखिए 2 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं इसमें पीक्स फॉर्म होने लगे। तो ये देखिए बटर ये उठने लगा है, इसका मतलब ये बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसको किसी भी बर्तन में निकाल लें, आप इसको किसी बोल में निकाल सकते हैं, इसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में आप रख सकते हैं, जिसमें भी आप अपना बटर स्टोर करना चाहें फ्रिज में आप उसको रखें। जैसे मैंने इसको कांच के बर्तन में ट्रांसफर कर लिया है और ढक्कन लगाकर मैं इसको फ्रिज में ही रख दूंगी। तो ये देखिए ठंडा होने के बाद ये देखने में कुछ इस तरह से लग रहा है। आप इसको ब्रेड में लगाकर खाएं, बन में लगाकर खाएं, कैसे भी आप इसको खाएं ये बहुत अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये बटर की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी। स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।